आईआईटी मेहसाणा। मैं आईएनडी में सीएसपी कोर्स पढ़ रहा हूँ, विच इज स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड प्रोग्रामर। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग सर्विसेज के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्रिंटिंग सर्विसेज कैसे यूज होती है, कि जैसे कि अगर आपको कोई भी फिजिकल कॉपी निकालनी हो तो हम पेन ड्राइव और यूएसबी में लेके जाते हैं साइबर कैफे, हम उसको देते तो वो वहां से प्रिंट निकालता है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रिंट निकालने के लिए हमें फिजिकल अटेंडेंस जरूरी होती है। तो आज हम देखते हैं क्लाउड प्रिंटिंग। क्लाउड प्रिंटिंग क्या है? क्लाउड प्रिंटिंग रिमोटली एसेसिबल प्रिंटिंग सर्विस है। आप कहीं से भी आपकी प्रिंट इंटरनेट कनेक्शन से निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस में भिजवाना हो तो मेरे को फिजिकली जाना पड़ेगा, इसके जगह मैं क्लाउड प्रिंटिंग सर्विस यूज करके मैं इंटरनेट कनेक्शन और गूगल आईडी देके मैं अपने प्रिंट निकलवा सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं ये प्रिंटिंग सर्विस वर्क कैसे करती है। आप जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑफिस का पीसी कनेक्टेड है और यहाँ पर मेरा लैपटॉप और मोबाइल, मैं घर पे प्रेजेंट हूँ और मेरे को कोई डॉक्यूमेंट भिजवाना है तो मैं इसे कहूंगा कि मेरी गूगल आईडी लॉगिन कर ले, या फिर मैं उसकी गूगल आईडी के अंदर अपनी आईडी शेयर करके भी उसको प्रिंट दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने उसको आईडी शेयर करी तो वो रिमोट सर्विस से मेरी प्रिंट अपने ऑफिस के प्रिंटर से निकल सकता है। आइए हम इसको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, तो मेरा लैब सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक पीसी है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और प्रिंटर मेरे पीसी से कनेक्टेड है। आइए हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। हमने सेटअप देखा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको एक फिजिकल प्रिंट निकाल के बताऊंगा जो मेरा कैनन का प्रिंटर ऑलरेडी पीसी से कनेक्टेड है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से मेरी प्रिंट प्रोसेसिंग हो रही है। हमारा फिजिकल प्रिंटिंग है। अब हम देखेंगे क्लाउड प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि क्लाउड प्रिंटिंग का सेटअप कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर गूगल क्रोम। गूगल क्लाउड प्रिंटिंग सर्विस यूज करने के लिए हमको गूगल क्रोम कंपलसरी चाहिए। तो इसके लिए हम क्रोम में जाएंगे और अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पहले से लॉगिन किया हुआ है। अब हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हम जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में। वहां पर आपको क्लाउड प्रिंट सर्विस का दिया होगा गूगल क्लाउड प्रिंट। अब हम इसके अंदर ओपन करेंगे और यहां पर हमारे जो प्रिंटर की डिटेक्शन है उसको ऑन करेंगे ताकि हमारे आसपास जो भी प्रिंटर है वो हमको दिखा सके। मैनेज क्लाउड प्रिंटिंग डिवाइसेस के अंदर आप अपना प्रिंटिंग डिवाइस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड प्रिंटर्स करूँगा। यहाँ पर मेरे जितने प्रिंटर्स कनेक्टेड है दिखाएंगे। तो मैं अपना कैनन का प्रिंटर अनेबल करके ऐड प्रिंटर्स कर दूँगा। मैनेज योर प्रिंटर्स में जाके हम अपना प्रिंटर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैनन का प्रिंटर आ चुका है। अब अपनी गूगल आईडी हम इसको शेयर करके भी हमारे प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अब मैं अपने मोबाइल से प्रिंट कैसे निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके प्रिंट शेयर नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर आपका प्रिंटर यहाँ पर आ जाएगा। अगर ना आए तो आपके गूगल आईडी लॉगिन करके आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल क्लाउड प्रिंट सिलेक्ट करें, चूज योर प्रिंटर। जैसे कि आपने मेरे गूगल अकाउंट में देखा था कि हमने कैनन का प्रिंटर सिलेक्ट किया हुआ था, वो यहाँ पर हमको बता रहा है। अब यहाँ से हम एक टेस्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट देंगे, ओके। देख सकते हैं हमारी प्रिंट प्रोसेस में आ गई है। तो इस तरह से मैं घर से या कहीं से भी मैं अपनी प्रिंट निकाल सकता हूँ। देखिए, सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा हमारा क्लाउड प्रिंटिंग वर्क कैसे कर सकता है। मैं कहीं से भी अपने मोबाइल या पीसी या किसी से भी मेरी प्रिंटिंग निकाल सकता हूँ।
अगर आपका मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।